हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ी भर्ती आई है, जॉब्स आई हैं आपके लिए दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन भर सकता है, किस किस के लिए जॉब्स हैं और कैसे आप जो है इनको कर सकते हो क्लियर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होंगी और तरह की एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो जाएंगी, ये आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कंसिडर की जाएंगी। अब हम बात करते हैं ओपनिंग डेट की, तो 7 जनवरी 2020 से ये स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है 6 फरवरी। तो अगर किसी को फॉर्म भरना है तो 6 फरवरी है लास्ट डेट। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की। सबसे पहले पोस्ट देख लो, ये पोस्ट देख लो आप, इसमें अलग अलग तरीके की पोस्ट है, सबके लिए जॉब है। मेन जो बात है, सबके लिए जॉब है। स्टोर कीपर की है वैलेंसी 1, अनडिजर्व्ड के लिए मतलब जनरल के लिए ग्रेड पे 2800 है और जीबी पंत में जॉब है। दिल्ली जेल बोर्ड की भी वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर की 4 जॉब है। ईडब्ल्यूएस के लिए 20 जॉब है आपकी, जनरल के लिए 10, ओबीसी के लिए, तो मतलब टोटल जो है 46 जॉब। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जो सिविल से है ना बीटेक, उनके लिए जॉब है, देख लो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, 78 वैकेंसीज हैं हमारी एनिमल हस्बेंड्री यूनिट इन डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डीटीसी की बहुत सारी वैकेंसी हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, या वैकेंसी देख सकते हो जूनियर कलर की। एक एक वैकेंसी को डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आप जो है नए आए हो इस चैनल पे। ठीक है, आपको ऐसे ही सारे इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले डिटेल्स में सही बिल्कुल आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इन सभी डिटेल्स की। तो अगर आपको जो है क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस एटसेट्रा कोई भी अगर आप बात करनी है तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सारी वैकेंसीज को डिटेल में। सबसे पहली वैकेंसी जो है स्टोर कीपर की है, जीबी पंत में ये के लिए है, और इसमें एसेंशियल क्या है, कोई भी बैचलर डिग्री हो। ठीक है, पोस्ट कोड याद रखना जो भी अप्लाई करोगे, क्यों मैं लास्ट में बताऊंगा उसके लिए, सारा सिलेबस जो है डिटेल में बताऊंगा ना, इसलिए पोस्ट कोड जो है आपको याद रखना है कौन सा है। तो पोस्ट कोड अगर आप जो है इसमें बैचलर डिग्री अगर आपके पास है या डिप्लोमा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेंटर में। ठीक है, या तो बैचलर डिग्री हो या डिप्लोमा और 2 साल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सपीरियंस जो है जरूरी नहीं है उसके लिए, सिर्फ जो है बैचलर डिग्री के लिए। ग्रेड पे जो है इसका 5200, इसका 2800 है, और सैलरी जो है पे स्केल इसका 5200 से 20200 हो सकता है, इसके बीच में होगा आपका। 18-27 साल होनी चाहिए उम्र। ठीक है, एज जो है रिलैक्सेशन की भी बात हम करेंगे। नेक्स्ट जो है पोस्ट कोड आती है, सेकंड जो है वो सेक्शन ऑफिसर की है दिल्ली जल बोर्ड में। इसमें 9 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी जनरल के लिए, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 1 वैकेंसी है एससी के लिए। ठीक है, और इसमें जो है पीडब्ल्यूडी इंक्लूड है। डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद बोटनी एज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो बोटनी। ठीक है, और इसका जो है पे स्केल 9300 से 34800 है, और ग्रेड पे इसका 4200 है। एक्सीडिंग जो है एज 30 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है, और इसमें जो है एक्सपीरियंस 2 साल का जरूरी हो ऑर्नामेंट हॉर्टिकल्चर में या लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो भर्ती है, ज्यादा जो जॉब्स हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर के, इंजीनियर्स के लिए टोटल है 46, इसमें आप डिटेल्स देख सकते हो। डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। स्केल आप देख सकते हो वही है 34800 तक, और इसका ग्रेड पे है 4600। ठीक है, उम्र आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अब बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो पोस्ट कोड नेक्स्ट है, एलिमेंट्री एनिमल हस्बेंड्री यूनिट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 78 वैकेंसीज यहाँ है। यहाँ पे आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, लेकिन यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज हो आपका। और दूसरा होना चाहिए 2 साल का डिप्लोमा वेटरिनरी और एनिमल हस्बेंड्री साइंस से। ठीक है, ये आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एसेंशियल जरूरी क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस, और पे स्केल आप देख सकते हैं 20200 तक है 5200 से, और ग्रेड पे है इसका 2400। एज लिमिट है इसमें 18 से लेके 27 ईयर्स तक। तो जो भी आपके लिए जॉब आ रही है उसका पोस्ट कोड याद रखते रहना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट कोड 5 की, 5वीं पोस्ट है, 20 में से 15 वैकेंसी है इन्वेस्टिगेटर में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है। तो इसमें एसेंशियल क्या है, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से।
ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग की और एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में भी ऑर्गेनाइजेशन में। उम्र आपकी 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पे स्केल है 20,200। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में टोटल पोस्ट है 38, मैट्रिक पास हो, स्पीड हो एटलीस्ट, ठीक है, ये इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, इसका पे स्केल 20,200 तक और ग्रेड पे इसका 2,800 तक। एज इसमें 18 से 35 साल तक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए थी, इसमें 6 वैकेंसी हैं। इसमें भी वर्ड लिमिट जो है थोड़ी वर्ड पर मिनट जो है कम किए गए हैं, तो आप जो है देख सकते हैं यार 5,200 से 20,200 तक पे स्केल है और क्या चाहिए आपको, 18 से 35 साल उम्र जो है एज आप जो है अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 पोस्ट की, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की। इसमें वैकेंसी है 29। इसमें आप कोई भी ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीए, बीकॉम है, बीएससी है या बीएसडब्ल्यू है, कोई भी आपका जो है ग्रेजुएट है इसमें आपको अप्लाई कर सकता है, लेकिन जरूरी क्या है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, ये आपको होना चाहिए। और इसका पे स्केल जो है ज्यादा है, बढ़िया है, 34,800 तक और ग्रेड पे है 4,200, ठीक है। एज लिमिट इसमें 35 साल तक है, रिलैक्सेशन अलग है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की हम बात करें, डीटीसी में 15 वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन हो डिप्लोमा के साथ, ठीक है, और फार्मासिस्ट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर बी फार्मा है आप तो 1 साल का एक्सपीरियंस, या अगर एम फार्मा है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पे स्केल इसका भी सेम है 34,800, ग्रेड पे है 4,200, एक्सपीरियंस भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें डीटीसी में लीगल असिस्टेंट की जॉब है, टोटल जॉब 4 जॉब है, बी ए या एलएलबी होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एडवोकेट के साथ जो बार काउंसिल में एनरोल्ड हो, ठीक है, और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में, आप सिर्फ उसको रीड कर सकें और राइट कर सकें इतनी, ठीक है। एसेंशियल क्या है, 1 साल का एक्सपीरियंस और 20,200 तक आपका पे स्केल है, 18 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 पोस्ट है, मैनेजर पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, मैनेजर आप जो है पब्लिक रिलेशन में डीटीसी में ही जॉब है, एक जॉब है, एक फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एमबीए की, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपको रेस्पॉन्सिबल सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन अ रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और 2 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए पब्लिक रिलेशन में। अब ये इसका भी बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए आपका एज लिमिट। नेक्स्ट है जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर, 10 जॉब है, मैट्रिक होना चाहिए और सर्टिफिकेट होनी चाहिए रेडियो मैकेनिक का, 20,200 इसकी जो है पे स्केल तक है, 18 से 35 साल उम्र है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट नंबर 13 है, जूनियर क्लर्क की बात करते हैं, एसएससी एग्जामिनेशन 10+2 आपका होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, कंप्यूटर पे। अब 20,200 इसकी सैलरी है 5,200 से और 18 से 35 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है ड्राफ्ट्समैन की डीटीसी में, डीटीसी की मेन जॉब्स हैं अर्बन सॉरी रिजर्व जो है अनरिजर्व और टोटल जॉब्स इसमें जो है 2 है, सोनो जनरल के लिए ही है, तो इसमें 5,200 से 20,200 तक आपको क्या मिल सकता है पे स्केल और ग्रेड पे है 2,000, 18 से 35 साल इसमें एज लिमिट होगी। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट आती है पोस्ट नंबर 15 हिंदी ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट डीटीसी में है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस सिमिलर जॉब के लिए और हिंदी उर्दू इंग्लिश अगर आती है तो आप एप्लीकेबल हो, 20,200 से 22,200 सेम पे स्केल है इसका, ग्रेड पे है इसका 2,800, ग्रुप सी की आपकी जॉब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर डीटीसी में ही है, 4 जॉब्स हैं इसमें, ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी सोशल साइंस में, प्रीफेबली सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर हो तो अच्छा है, एसेंशियल नहीं है, ठीक है, डिजायरेबल है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जरूरी इसमें एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है, तो इसमें जो है 20,200 तक आपकी सैलरी है, ग्रेड पे है 2,800 तक, ठीक है, तो एसेंशियल और डिजायरेबल मतलब एसेंशियल का मतलब है वो तो होना ही चाहिए। अब 18 पोस्ट है डीटीसी में, किसकी बीकॉम पास होना चाहिए और इसमें जो है एसेंशियल ये है 5 साल का एक्सपीरियंस हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑफिस में, ठीक है, और
इसकी सैलरी पे स्केल है 9300 से 34800, ग्रेड पे है 4200 का। नेक्स्ट हम जॉब करते हैं बात लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी में, इसमें टोटल जॉब है 10 बीएससी होना चाहिए बॉटनी या जूलॉजी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर मास्टर डिग्री हो तो अच्छी बात है, ठीक है, इनमें किसी भी उसमें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। 5200 से 20200 पे स्केल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी बात हम करते हैं जो कैंडिडेट्स है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस क्या है वो मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। और ओरिजिनल आधार कार्ड जो है या कोई भी और अदर गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ जो है होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप पेपर देने जाएंगे, अगर नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 100 रुपए इसकी फीस है, लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट्स हैं या बिलोंग करते हैं आप शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यू या एक्स सर्विसमैन तो आप जो है पी फीस जो है आपके लिए फ्री है, ठीक है, ये आपको जानना होगा। और एक्स सर्विसमैन हु है वो लेड सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, मेन तो ये है 1 टायर और 2 टायर एग्जाम है अलग अलग स्किल टेस्ट के लिए सब। अब हम देख लेते हैं तो एग्जामिनेशन दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में इंग्लिश में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है जो हिंदी बोर्ड से और जो कोई इंग्लिश बोर्ड से है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई प्रोविजन नहीं होगा री वैल्यूएशन और रीचेकिंग का, ठीक है, जो एग्जाम्स किए जाएंगे वो ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि जो मिनिमम मार्क्स जो है अलग अलग है, मिनिमम मार्क्स में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। वन या टू टायर टेक्निकल पोस्ट के लिए इसमें कुछ डिटेल्स है इंपॉर्टेंट है वो देख लो। कैंडिडेट जो है जो ज्यादा मार्क्स जो है सिक्योर करेगा उसको जो हायर पोजीशन पे दी जाएगी, और इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन आर इक्वल, अगर मार्क्स जो है इक्वल होंगे किसी भी दो कैंडिडेट्स के जो सीनियर जिसकी उम्र होगी उसको जो है मेरिट जो है हाई दी जाएगी, और अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसको जो है दिया जाएगा प्रीफरेंस। नेक्स्ट अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो जो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो जिसका अल्फाबेट है वो ही उसको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ये है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लो, आपको ये सारा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस के लिए, इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए सिलेबस है, एप्टीट्यूड के लिए सिलेबस ये है। अब आपको लिए टेस्ट में कौन कौन सा आएगा वो मैं अभी बताऊंगा, ये जरूरी नहीं कि ये आपके लिए। सेक्शन बी में अगर हम बात करें वन टायर टेक्निकल ओनली, जिसका एक टायर टेक्निकल का जॉब होगा उसके लिए देख लो, ठीक है, तो सिलेबस ऑफ टायर वन एग्जाम जो है वन टायर एग्जाम के लिए सेम होगा, जिन एग्जाम्स में एक टायर है उसका जो टायर फर्स्ट का मैंने अभी एग्जाम बताया है वो ही रहेगा सबके लिए, और जिसका टायर टू है उसका एग्जाम जो है अलग रहेगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन जो टायर जो होगा लेकिन उसका लेवल जो होगा वो थोड़ा सा हाई होगा, और यहाँ पे भी देखो सिलेबस होगा वो हाई होगा, और जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक हो सकते हैं वो इन एक्स्ट्रा टॉपिक से भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका सेम रहेगा सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई, और लेकिन जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक्स जो है आपके भर जाते हैं। पार्ट टू जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कैंडिडेट जो है सिटीजन होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी जो है बेसिक होनी चाहिए जॉब्स के। अब हम बात करते हैं इसमें रिलैक्सेशन कितना है, तो रिलैक्सेशन आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, और पीडब्ल्यूडी है आप एससी एसटी हैं तो 15 साल, उसको 10 साल सिर्फ ऐड कर दीजिए पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है, और ओबीसी है 13 साल, ठीक है, तो ये आप जो है देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है ये आप पढ़ सकते हैं, ये कोई बेसिक सी चीजें ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो है बात करनी है अपनी पोस्ट की और टायर एग्जाम्स के लिए, तो जो ये जो पोस्ट मैंने कोड आपको बताया था इसलिए बता रहा था मैं, तो वन टायर एग्जाम होगा उनके लिए 2 घंटे का टाइम होगा और टोटल क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स ही होंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं है 200 ही होंगे, और ये सिलेबस है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 40 नंबर का हर एक सब्जेक्ट आने वाला है इसमें। वन टायर जो है टेक्निकल के लिए अगर आप बात करें ये पोस्ट है उनके लिए, 2 घंटे का एग्जाम है इसमें। सेक्शन ए जो आएगा वो ये देख सकते हैं आप, इसमें 100 नंबर का होगा, और बी भी जो है 100 नंबर का होगा, लेकिन उसमें जो है जो क्वालिफिकेशन होंगी उससे रिलेटेड सेक्शन बी होगा 100 मार्क्स का, सेक्शन ए होगा आपका सेम ऐसे ही, ठीक है। अगर आप बात करते हैं टू टायर की, टू टायर में जो है टायर फर्स्ट में जो है जो एग्जाम्स टू टायर के लिए हैं वो 8वीं पोस्ट के लिए है सिर्फ, 8th पोस्ट के लिए, उसमें जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये एमसीक्यू टायर वन के लिए, और टायर टू के लिए क्या होगा
मैंने आपको बताया था सिर्फ लेवल जो है बढ़ जाता है पार्ट वन में, और डिस्क्रिप्टिव में ऐसे या लेटर राइटिंग होगी। ऐसे है आपका 50 मार्क्स है और लेटर है 25 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू टायर का टेक्निकल इन पोस्ट के लिए, तो डिटेल्स देख सकते हैं आप, सेम है, 5 सब्जेक्ट हैं, 20-20 मार्क्स के हैं, और सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 100 मार्क्स के लिए है। टायर टू में भी 150 मार्क्स की हो जाती है, 75% वेटेज तो इसका रहता है, और बी में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का कितना रहता है, 25% वेटेज रहता है। फिर टू टायर टेक्निकल के लिए जो और भी बहुत सारे जो जॉब्स हैं उसमें देख सकते हो आप, इसमें भी सेम सिलेबस वही है, 100 मार्क्स और 100 मार्क्स। और इसमें क्या है, जो टायर टू में आपका क्या होगा, 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 80% वेटेज जो रहता है सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर से रहता है, और पार्ट टू जो है डिस्क्रिप्टिव है। तो आप ये जो है देख लीजिए अपना, आपने कौन सा जो है चूज किया है, कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। इस तरीके से ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, ऐसी वीडियोस आएंगी यार।